नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और हमको गुलाम बनाने की कोशिश की है। 2008 में आर्थिक तूफान आया, अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन, अमेरिका के बैंक गिर के कई कंपनियां भी बंद हो गई। इसके बावजूद एक के बाद एक कंपनियां बंद होती गई और यूरोप के बैंक भी बंद हुए, मगर भारत पे कोई आंच नहीं आई। पूरी दुनिया को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? मनमोहन सिंह का कहना था कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना है तो ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्था है, पहली असंगठित और दूसरी संगठित व्यवस्था। जब तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, जैसे किसान, मजदूर और छोटे दुकान, मिडिल कंपनी, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था पर आंच नहीं आ सकती। अब आज की स्थिति पर नजर डालते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर बार बार आक्रमण किया है, जिसमें पहला नोटबंदी, दूसरा गलत जीएसटी और तीसरा लॉकडाउन। इन तीनों का लक्ष्य बस इतना ही है, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो। असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर गोर गरीब संकट में फंसे हैं। पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गवाई है। प्रधानमंत्री को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। 45 सालों में ये सबसे बड़ी बेरोजगारी सामने आई है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र भारत को 90% रोजगार देता है और संगठित क्षेत्र 10%। जिस दिन असंगठित क्षेत्र खत्म हुआ उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और आप ही देश को ठग रहे हैं। हम सबको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना होगा और पूरे देश को मिलकर अपनी इस नाकामी को भाजपा सरकार एक्ट ऑफ लॉ अपनी जिस नाकामी को भाजपा सरकार एक्ट ऑफ गॉड बताकर पल्ला झाड़ रही है, इसके बारे में देश जान चुका है कि वो एक्ट ऑफ भाजपाई फ्रॉड है। ये भाजपाई एक्ट ऑफ फ्रॉड पिछले 6 साल से दीमक की तरह धीरे धीरे जीडीपी को खोखला कर रहा है।